दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपलोड यूअर आईडी का जो फेसबुक का इशू आ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें अगर हमारे पास गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है और हमारा नेम फेक है। जिस तरह इस भाई का किंग ओपी इसका नाम है और ये फेक नाम है, ऐसे अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकें। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बिल्कुल आसान मेथड है, कोई इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है। दो लिंक हैं जो यूज़ होंगे और हमारा जो अकाउंट है वो आसानी के साथ रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं ट्रिक की जानिब। अच्छा दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये अब हमसे क्या क्या मांग रहा है। हमसे मांग रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अदर टाइप ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन। इफ दे आर एनी इशू वी सेंड यू एन ईमेल। ये हमें बोल रहे हैं कि आप हमें कोई गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन, गवर्नमेंट के कोई प्रूफ, पासपोर्ट लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट या आईडी कार्ड कुछ भी सेंड करें जिस पे हमें मालूम हो कि आपके पास गवर्नमेंट का प्रूफ है और हम आपको अपना अकाउंट रिकवर करके दें। हमें सेंड करें, हमें ईमेल करें, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब परेशान तो यहाँ आके लोग हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो प्रूफ भी नहीं है, हमारा तो नाम भी फेक है यार, इस हमने तो गलत नाम आईडी में यूज़ किया हुआ है, ये वो सारा कुछ। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा मैं आपको दो लिंक देता हूँ, आपको लिंक देता हूँ मैं दो। एक लिंक बर्थ चेंज वाला है और एक लिंक है नेम चेंज वाला, ठीक है दोस्तों। बर्थ चेंज वाला और नेम चेंज वाला, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बर्थ वाला लिंक निकाल लेना है, अपने पास कॉपी करना है, ऊपर न्यू टैब पे आ जाना है। न्यू टैब पे आप आएंगे तो आपने क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है और गो कर देना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, ये वही आईडी है दोस्तों जो अपलोड आईडी पे गई है, किंग ओपी के नेम पे जो थी ये वाली आईडी है। आप लोगों ने अपने प्रूफ वाली बर्थ लगा लेनी है, जो प्रूफ आपके पास हो, मतलब मेरा नाम शकील खान है, मेरे पास शकील खान के नेम का प्रूफ है तो मैं वही बर्थ लगा लेता हूँ दोस्तों, सिंपल ही। अच्छा मैं बर्थ लगा लेता हूँ दोस्तों, दोस्तों मैंने बर्थ अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दी है। अब आप लोगों ने इस एरो के निशान पे क्लिक कर देना है, सिंपल। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने दिस इज माई रियल बर्थडे इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, सिंपली क्लिक करके ओके कर देना है दोस्तों। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, बर्थ भी लगा दी हमने और इधर जो डिसीजन है, रीजन फॉर दिस चेंज बर्थडे, दिस इज माई रियल बर्थडे, ये आपने कर देना है और सिंपली आप लोगों ने सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं इसको सेंड करता हूँ, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मैंने सेंड कर दिया है इसको फेसबुक टीम को, ये आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, वी मे रीच आउट ऑफ यू इफ यू नीड मोर फॉर इन्फो, ठीक है दोस्तों। मैंने ये सबमिट कर दिए। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिर वो वाला लिंक उठाना है, पहले बर्थ चेंज करनी है दोस्तों, ख्याल रखना है पहले बर्थ करनी है और फिर नेम चेंज करना है। अच्छा दोस्तों मैं अब आ जाता हूँ, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अपलोड कर देता हूँ उधर न्यू टैब पे जाके, इसको मैं न्यू टैब पे जाके पेस्ट करूँगा दोस्तों। न्यू टैब पे आ गए हैं और इधर आप लोगों के सामने गो का ऑप्शन पड़ा दोस्तों, गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेम वाला आ जाएगा फॉर्म दोस्तों। अच्छा मेरा नाम शकील खान है, मैंने पहले आपको बताया, मैं इधर शकील लिख लेता हूँ और लास्ट में खान लिख लेता हूँ। अच्छा ये वाला मैंने लिख दिया दोस्तों, और ये जो पड़ा है पिक वन पड़ा है, ये वाला एरो के निशान पे, ये पिक वन जो बोल रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, स्पेलिंग मिस्टेक पे, ये देख सकते हैं आपके सामने स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। अच्छा
यहाँ से वो हमसे फाइल मांग रहा है, हमारे आईडी कार्ड की वो पिक मांग रहा है, हमने अपने आईडी कार्ड की पिक देनी है। चलो मैं अपने आईडी कार्ड की गैलरी में चला जाता हूँ, इधर गैलरी में पिक पड़ी है, मैं वो डाल देता हूँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैंने पिक डाल दी अपने आईडी कार्ड की, सिंपली सेंड का ऑप्शन पड़ा है, सेंड कर देता हूँ दोस्तों मैं। अच्छा सेंड का ऑप्शन पड़ा है, सेंड मैंने कर दिए। अभी थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग का ऑप्शन आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं। अच्छा अब हमने अकाउंट की बर्थ भी चेंज कर दी, नेम भी चेंज कर दी है। बर्थ जो होती है वो जस्ट नौ पे चेंज हो जाती है दोस्तों, और जो नेम होता है वो 10 घंटों में, 12 घंटों में, या 14 घंटों में, या 1 घंटे बाद, या 24 घंटों के अंदर अंदर चेंज हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब आप बार बार देखेंगे अकाउंट को लॉगिन करके, अकाउंट को लॉगिन करके देखेंगे, और आप देख लेंगे अगर आपके अकाउंट का नेम चेंज हो गया है तो आपने क्या करना है, जिस प्रूफ का आपने बर्थ सेलेक्ट किया है और आपने नेम सेंड किया है, वो वाला प्रूफ आप लोग सिंपली प्रूफ उसको सबमिट कर देंगे फेसबुक टीम को, अपलोड आईडी पे जाके, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर हम उसको बर्थ भी उसकी चेंज कर लेते हैं, नाम भी चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो प्रूफ हमारा हो जाता है क्लियर, हम प्रूफ सबमिट करते हैं और ओपन हो जाते हैं। बस आप लोगों ने यही करना है कि आपके पास जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड HD रियल प्रूफ आपके पास हो, आपने उसी का डाटा लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये जो लिंक पड़े थे दोनों मेरे पास, नेम चेंज वाला और बर्थ वाला, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी आसानी के लिए, आप लोग उधर से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।